मोहम्मद मोहम्मद। खूब मौके पर आ गई अम्मी जान, दो लम्हे पहले आ जाती तो दुनिया के इल्मी खजाने का बहुत नुकसान हो जाता। ऐसा क्या वाक्या हो गया दो लम्हों में? मैं भी अभी इल्म शतरंज के कहम मसले का हल तलाश कर रहा था, जिसमें अल अदली और असरा भी जैसे पहुंचे हुए आलम भी नाकाम साबित हुए। वो हल मैंने ढूंढ निकाला है अम्मी, और देखिए ना, देखिए किस कदर आसान है। पर मैं क्या समझूं मोहम्मद, समझना चाहे तो समझ भी जाए, पर समझने की चाह भी तो हो। बेकार की बात मत करो, मैं यहां शतरंज खेलने नहीं आई। इतनी गरज है तो बुलवा लो अपने शतरंजी दोस्त आयनुल मुल्क को। बजा फरमाया अम्मी जान, अब शतरंज की चाल चलनी है तो सिर्फ आयनुल मुल्क के साथ ही, मगर मोहरे काट के नहीं रहे, जिंदा फौजी मोहरे बन गए। कभी कभी तो तुम पहेलियां बुझाने लगते हो। हाँ अम्मी, मेरा हमदम मेरा शतरंजी दोस्त आयनुल मुल्क दिल्ली के लिए मैं फौज रवाना हो चुका है। क्या, मगर क्यों मोहम्मद? पता नहीं अम्मी, मैं खुद 3 रोज से मगजपच्ची कर रहा हूं, लेकिन अभी तक समझ नहीं पाया कि मेरे जिगरी दोस्त ने आखिर बिला वजह मेरे ही खिलाफ तलवार क्यों उठा ली। किसी बात पर अनबन तो नहीं हुई? अनबन कहां से हो अम्मी जान, आपको मालूम है कि मेरी तख्तनशीनी के वक्त अवध के क्या हालात थे। चारों तरफ लूट मार कत्लो कारत जारी था। अवध के सूरत हाल से इस कदर परेशान हो चुका था कि मैंने आयनुल मुल्क को वहां भेजा, और वहां पहुंचते ही उसने फसादियों का सफाया कर दिया। जानती है अम्मी, उसके बाद से अवध की रियाया उससे इतनी खुश है कि उसके नाम से दुआएं मांगती है। फिर जब दक्षिण में भी वही बगावत की आग भड़क उठी तो मैंने आयनुल मुल्क से दरख्वास्त की कि वो वहां दक्षिण जाए और अवध किसी खुशहाली लाए। उसकी कुमुक के लिए मैंने अपनी फौज का आधा हिस्सा भी उसके पास भेज दिया, लेकिन 3 माह गुजर गए, उसका कोई माकूल जवाब नहीं आया। 3 रोज हुए, मुझे मेरे मुखबिर का एक खत मिला जिसमें आयनुल मुल्क की दगाबाजी की दास्तान दर्ज थी। तो अब तुम क्या करोगे? करना क्या है अम्मी, बची कुची फौज लेकर बस जूझना है। बची कुची फौज? हाँ अम्मी, मेरे पास अब उसकी फौज का 8वां हिस्सा भी नहीं। देखिए ना, शतरंज के मसले का हल पाकर मैं किस कदर खुश था, मगर आपने आयनुल मुल्क का जिक्र छेड़कर सारी खुशी खाक में मिला दी। वैसे आपकी तशरीफ आबरी का सबब जानना तो मैं भूल ही गया, अब उसकी कोई जरूरत नहीं रही। मगर क्यों? कोई खास बात नहीं थी, दरअसल मैं जानना चाहती थी कि आजकल तुम किस चक्कर में हो। दिन चढ़े तक तुम्हारे कमरे में रोशनी रहती है, रात भर जागते रहते हो, आखिर अपनी सेहत से ही खिलवाड़ क्यों मोहम्मद? यानी आप समझते हैं कि मैं आयनुल मुल्क की फिक्र में घुला जा रहा हूं? अम्मी, फिक्र मंदी या मोहब्बत में नींद ना आने की बातें शायरों की ही ख्याली उड़ाने हैं। अगर मैं इतना फिक्रमंद होता तो शतरंज की बाजी में यूं उलझा ना रहता। तो रात भर करते क्या रहते हो तुम? अल्लाह से दरख्वास्त करता हूं अम्मी कि या खुदा मुझे नींद ना आए। दिन तो किसी तरह दुनियावी शोरगुल में गुजर जाता है, मगर जैसे ही दिन का उजाला रुखसत होता है, रात की तारीकी को चीर कर मैं आसमान के उस पार पहुंच जाता हूं। सितारों के इर्द गिर्द मंडराया करता हूं, फिर इब्नल मुतज़ और दुर्रुमान जैसे शायरों के कलाम गुनगुनाया करता हूं।
मेरे दिल में ये ख्वाहिश जागती है कि मैं अभी और इल्म हासिल करूं, अभी और तरक्की करूं, अभी और ऊपर उठूं। कि अचानक मेरे तजफ्फुर में मेरी रियाया का साया उभरने लगता है और मेरा दिल फिर से बेकरार होने लगता है। जी करता है कि किसी ऊंचे दरख्त पर चढ़ जाऊं और वहां से चीख चीख कर अपनी रियाया को आवाज दो, ये मेरी अजीम और तरीन रियाया, उठो उठो, मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूं, तुम्हारी राह देख रहा हूं। आओ आओ, तुम अपनी तमाम परेशानियां मुझे सुना दो और मैं तुम्हें अपनी तमाम ख्वाहिशें सुना दो, फिर हम सब एक साथ मिलकर उस परवरदिगार की इबादत करें। चाहे गला सूख ही क्यों ना जाए, जिस्म टूट ही जाए या खून खुश्क हो जाए, आओ हम चिराग बनकर जिंदगी को रोशन कर दें, रात बनकर सरहदों को मिटा दें। गुजरे हुए सुल्तानों की सताई हुई रियाया में मुझे नई उम्मीदें जगानी हैं अम्मी, दुखों से भरी जिंदगी से उनकी हिफाजत करनी है। या खुदा मेरे इतने सारे मंसूबे एक ही दौर में पूरे हो जाएं। तेरी अजमत, रियाया की भलाई का ख्वाब और मेरी जाती ख्वाहिशें, जब इन तीनों में कश्मकश चल रही हो अम्मी, तो मुझे सोने का वक्त कहाँ है।